मैं हूँ पंकज ट्रिक्स ऑटो से। अभी हमने एक नई कार कंप्लीट करी है, दैट इज होंडा सिटी 2010 आई वी टेक। वो कुछ अलग तरीके का इंटीरियर क्या है उसमें, कंप्लीट स्पोर्टी कार है, बहुत स्पोर्टी इंटीरियर, स्पोर्टी एक्सटीरियर। हैव अ लुक। ये फ्लेक्स क्रोम ग्रीन कलर का रैप है। फ्लेक्स क्रोम ग्रीन बेसिकली एक शेड है जिसमें अंदर क्रोम है, ऊपर से ग्रीन है। उसकी डिटेलिंग करी ग्लॉस ब्लैक के साथ, ग्लॉस ब्लैक पाइपिंग और ये सब। इसकी रूफ भी हमने ब्लैक करी है क्योंकि ब्लैक की डिटेलिंग करी है। साइड मिरर्स हमने इसमें ब्लैक किए हैं, हैंडल्स इसमें ब्लैक किए हैं। साइड में इसकी ट्रिम्स आते हैं तो लाइट हमने बिल्कुल फेड आउट लाइट है, बिल्कुल एकदम फेड आउट स्मोक करी है लाइट है। स्पॉइलर हमने इसमें नया स्पोर्टी स्पॉइलर पुट ऑन किया है, ग्लॉस ब्लैक का। इसमें एलईडी ट्रेल लैंप्स का लुक आ गया उसी कोने से। यहाँ पे भी हमने ट्रॉन बिल्कुल एकदम थीम रख दी है। एक लोगो क्लाइंट का एक लोगो डिज़ाइन करा है खुद का स्पेशल सा। नंबर प्लेट हमने बिल्कुल होंडा की नंबर प्लेट बनाई ऑथेंटिक। इसके मिरर्स को टिंट किया है ताकि ब्लैक का थीम कंटिन्यूड रहे। और जो सबसे स्पेशल पार्ट, बहुत ही स्पेशल पार्ट है जो उसके लिए, द इंटीरियर। कंप्लीट येलो एंड कार्बन फाइबर का एक इंटीरियर पैक पूरा। इसमें इसका पूरा सेट, पूरा का पूरा इंटीरियर सीट्स का डिज़ाइन फरारी स्टाइल का है, नए बैजिंग के साथ। बहुत ब्रॉड कर दी सीट हमने, अब कार्बन फाइबर का बहुत टेक्सचर है। क्रिस्टल ग्लोबिक इसके अंदर मैंने गियर लिवर बनाया है। येलो इसका एम्बियंस पैक है, वो ग्रीन का एक इमेज आ जाता है आपका उसके अंदर भी। बैक से भी आप देखेंगे तो वही बैक में भी मैंने वही डबल सपोर्टेड डबल कुशन्ड सीट करी है ताकि बैक में भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहे। बैक से इसको येलो नहीं करा क्योंकि पैर वैर वहाँ टच होंगे तो वो गंदी हो जाएगी एनवलप सॉरी करने की, तो बैक से इसको ब्लैक करा गया है पूरा का पूरा। एक बहुत ही क्लासी चीज़ जो अभी तक नहीं करी थी तो आपको दिखाता हूँ। ये आपको मैं बताना, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, वापस एक और। ये एक साइड एम्बियंस पैक है, ये साइड फेंडर बन जाता है, फेंडर के लिए होता है बेसिकली। ये जब भी आप कार ऑन करेंगे तो ये आपका एम्बियंस का काम भी करेगा, प्लस ये नीचे की तरफ रोशनी देगा तो साइड में भी आपकी रोशनी हो जाएगी ऑन हाईवेज ऑन। इसके लिए ये भी कार्बन फाइबर में है। इसकी फ्रंट एलईडी जो डीआर मैंने करी है वो होंडा सिटी में लोगों ने, आपने बहुत होंडा सिटी में देखी होगी नीचे होती है, मैंने उसको एल अपर कर दिया है। ऊपर से एल है इसका और इसको अपर साइड से एल कर दिया है मैंने। आप देखेंगे ग्लोबिक एल है ये बिल्कुल, जैसे मर्सिडीज उसमें आता है। प्लस इसके अलावा जब आप इसको आप इंडिकेटर्स में देंगे, आप इसका इंडिकेटर व्यू देखिए, आप इसका इंडिकेटर व्यू देखिए, इसका इंडिकेटर व्यू बिल्कुल अलग है। रनिंग डायमंड्स मॉडल कहते हैं इसको, देखिए आप कलेक्ट हो रहे हो आपस में सारे के सारे। इसमें आगे की तरफ एक लिप स्पॉइलर भी किया हुआ है, ये समुरा लिप स्पॉइलर है, ब्लैक कलर का इसको लिप दिया हुआ है ताकि ब्लैक ही इसकी थीम है बाद में साथ में। एक इसमें यहाँ पे स्पेसर्स यूज करके, क्योंकि 14 इंचेस अलाउ आते हैं होंडा सिटी 2009 में, इसको स्पेसर डाल के इसको और ऊपर करके 16 इंचेस के अलॉय विद जैपर व्हील्स डाले हैं। अब इससे ये ऊपर हो गए और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया और 16 इंच के हो गए। प्लस कैलिपर्स को भी मैंने थीम के हिसाब से अंदर की येलो ही रखा है ताकि वो बहुत ब्यूटीफुल लगे। होप आपको ये गाड़ी बहुत पसंद आई हो। इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, बहुत सारा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर ऑब्वियसली काम को भेजें। बाय, टेक केयर।